नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा अलीपुर खेड़ा में अलीगंज मार्ग पर पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता लुईस खुर्शीद मौजूद रही। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की ये रिपोर्ट। कस्बा अलीपुर खेड़ा में अलीगंज मार्ग पर पेट्रोल पंप का उद्घाटन करने आई कांग्रेस की नेता लुईस खुर्शीद ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है और कानून व्यवस्था लचर है, जिसमें कई अधिकारी पुलिसकर्मी अराजकता की भेंट चढ़ चुके हैं। आम जनता की बात क्या जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा किसान आवारा गांव से काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बहुत से किसान भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार ने केवल जनता को ठगा है, 2019 में जनता जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। मैडम, क्या शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी से आपका गठबंधन हो रहा है? मैं तो यहाँ पे 2 दिन से हूँ भाई, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, मगर कुछ बात तो चल रहे है। जो मैंने पत्रकारों में देखा है कि अखबारों में देखा है कि कुछ बात चल रही है। नहीं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अभी आवारा जानवरों के, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आवारा जानवर तो मैं उम्मीद करते कि योगी जी जो है इंतजाम करेंगे, उनका कुछ सोच समझ के कदम उठाया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जानवरों का इंतजाम करेंगे। गौशाला, सिर्फ गौशाला नहीं, गौशाला बनने के बाद फिर उनके खाने का और देखभाल का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि इतने गौशाला है जहां जानवर मर रहे हैं क्योंकि देखभाल ठीक से नहीं हो रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जुमला नहीं होगा और असलियत में उनका इंतजाम वो करेंगे। यूपी कानून व्यवस्था बहुत खराब, इसके बारे में? इसके बारे में तो आप जनता जवाब दे चुनाव में, आप मुझे बताइए। हम तरगमा से ज्यादा दूर नहीं है, तरगमा से वो मरहूम इंस्पेक्टर के गाँव है और वहाँ का विधायक और सांसद ने कहा कि इतने बड़े प्रदेश में छोटे मोटे घटनाएं होते ही रहते हैं, तो जब एक इंस्पेक्टर का हत्या होता है और वहाँ के नेता कहते हैं कि छोटे मोटे घटना, तो इससे ज्यादा मुझे क्या कहने। आपकी पार्टी मैनपुरी से कोई प्रत्याशी उतारेगी? अभी मुझे नहीं मालूम है गठबंधन किससे होगा किससे नहीं होगा, मगर हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि 80 के 80 सीट हम लोग लड़ेंगे।